हेलो गाइस एंड वेलकम टू अदर ब्लॉग। तो अभी जस्ट हम पहुंचे हैं दिल्ली और आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि भाई डोरमेट्री या फिर रिटायरिंग रूम न्यू दिल्ली पे है कि नहीं है। तो चलो हमने सोचा आज आपको एक वीडियो बनाकर पूरा ब्लॉग बनाकर दिखा दिया जाए कि है कि नहीं है, क्या है। वैसे तो पहले ओपन नहीं था बट अभी कुछ ही दिन पहले रिसेंटली ही ओपन कर दिया गया है डोरमेट्री, एसी डोरमेट्री, नॉन एसी डोरमेट्री एंड रिटायरिंग रूम एसी एंड नॉन एसी। हमको तो आज भाई नॉन एसी ही अवेलेबल मिल पाया है। तो चलो हम आपको दिखा देते हैं। डबल बेड नॉन एसी रिटायरिंग रूम हमने बुक किया हुआ है यही न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। कहाँ पर है, क्या प्राइस है, क्या नहीं, सारी चीज़ें दिखाते हैं। चलो पहले तो प्लेटफॉर्म चेंज करना है। पहाड़गंज साइड जो है ना वहाँ पर बना हुआ है रिटायरिंग रूम। डोरमेट्री बनी है अजमेरी गेट साइड, ये आपको ध्यान रखना है। डोरमेट्री जो है ना वो अजमेरी गेट साइड बनी है और जो रिटायरिंग रूम है वो पहाड़गंज साइड है। चलो पहले चलते हैं फिर दिखाते हैं आपको। तो यहाँ से बस जो एग्जिट है ना स्टेशन का, यहाँ से आपको आना है अंदर और ये देखो रिटायरिंग रूम लिखा है ना, इससे जाना है ऊपर। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही आएंगे तो मिल जाएगा आपको, है ना। रिफ्रेशमेंट रूम भी है यहाँ पर और यह पब्लिक रिटायरिंग रूम, इसी से सीधे अंदर जाना है अपन लोगों को। तो आज हमारा रूम नंबर है 114। ये देख रहे हो डबल इसमें गेट है, यह लिखा है रिटायरिंग रूम। चलो पहले लगा लेते हैं गेट, आराम से करेंगे शूट। ये बंद गेट भी बड़ा तगड़ा है भाई, कुंडी नहीं लग रही है इसकी। गेट हो गया लॉक और ये है भाई डबल बेड नॉन एसी रिटायरिंग रूम। इसमें एक चेयर टेबल यहाँ मिल जाएगी, डबल बेड है, दो फैन लगे हुए हैं और साथ ही आपको मिलेगा इसमें कूलर, क्योंकि नॉन एसी है। इसको चालू कर देते हैं, कूलर हो गया चालू। और ये है इसका खस्ता हालत में वॉशरूम, यहाँ ठीक है, मिरर भी ठीक साफ है, शावर टूटा हुआ है इसका, गीजर इसमें लगा हुआ है और बाकी बाल्टी वगैरह काफ़ी गंदी है। स्टाफ को बुलाया है कि चेंज कर दीजिए, वो कह रहे इससे साफ है ही नहीं, समझ लो बाकी कैसी होंगी। और तो यही है नॉन एसी रिटायरिंग रूम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का। ये देख ही लीजिए आप, यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट आपको बेड पे मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, पंखे मिल जाएंगे, पंखे दोनों ही चालू हैं, ये देखो। अब आपको इस रिटायरिंग रूम का हम कॉस्ट बता दें, तो इस रिटायरिंग रूम में अगर आप रुकते हो तो आपको कॉस्ट पड़ेगा, 12 घंटे के लिए हमने बुक किया है तो 12 घंटे का हमको पड़ा है 260 रुपए, और अगर आप 24 घंटे के लिए करते हो तो लगभग वही 480 के समथिंग आपको पड़ेगा नॉन एसी। एसी का चार्ज ज्यादा है वो हमको इसलिए नहीं पता, हम आपको बता नहीं पा रहे क्योंकि भाई हमको भी नहीं पता है क्या है चार्ज, क्योंकि हमने बुकिंग करना चाहा लेकिन हमको शो भी नहीं हुआ उसमें, तो हमें चार्ज उसका आइडिया नहीं है। इससे होगा भाई ज़्यादा तो होगा, अब मान लो ये 280 का है तो कम से कम 700 के आसपास वो होगा मिनिमम। तो आप लोग जब भी बुकिंग कर रहे हो थोड़ा पहले तो आपको मिल सकता है, तो आप लोग ऑनलाइन देख लेना, ऑनलाइन ही बुकिंग करी हमने इसकी तो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। बाकी चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी एक और वीडियो में। हम यहाँ रुक रहे थे आज कुछ घंटों के लिए तो हमने सोचा आपके साथ शेयर करनी चाहिए ये डिटेल्स, ये ताकि आप भी कभी आ रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं हो। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।